हेलो फ्रेंड्स, जबड़े में दर्द होना कोई आम समस्या नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जबड़े में दर्द रहता है या जबड़े में दर्द हो जाता है। जबड़े में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जबड़े में जो दर्द है वो जबड़े में अकड़न की वजह से हो सकता है, कान में दर्द की वजह से हो सकता है, सूजन की वजह से हो सकता है, कान में पस फॉर्म हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है, सर दर्द की वजह से हो सकता है, दांतों में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से, या दांतों में कोई पस फॉर्म हो जाती है उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, अक्कल जाड़ की वजह से भी दर्द हो सकता है, और कोई स्वेलिंग हो जाती है जबड़े में या हड्डी में उसकी वजह से भी जबड़े में दर्द हो सकता है। इनके अलावा अगर आपके जबड़े में तेज़ दर्द होता है, लंबे समय से दर्द है, बहुत टाइम हो गया दर्द जा ही नहीं रहा है, तो अगर ये ऐसी स्थिति है तो आपको अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सीवियर हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कारणों की वजह से आपके जबड़े में दर्द है, तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो के थ्रू कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करूँगी कि ऐसे क्या घरेलू उपाय है जिनकी मदद से अगर जबड़े में दर्द है तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। चलिए जानते हैं कि जो जबड़े में दर्द है वो कौन कौन से घरेलू उपाय है जिनकी मदद से वो जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं जबड़े के दर्द को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय। अगर जबड़े में दर्द हो जाता है तो कुछ भी खाना पीना और बोलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये जिसके दर्द है वो समझ सकता है कि इससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं आपको घरेलू उपाय के बारे में बताऊँगी। फर्स्ट होता है सीबीडी ऑयल। अब आप सोचोगे सीबीडी ऑयल क्या होता है। ये जो गांजा बनता है वो जो पौधा होता है उसमें एक औषधीय गुण होता है, उस पौधे से ये तेल बनता है। तो इस तेल को 1/4 थोड़ा सा तेल ले लीजिए, 1/4 स्पून में ये तेल ले लीजिए और उसको जहाँ पे आपके जबड़े में जिस जगह दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक वैसे ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप उसको चाहो तो स्किन को अपने आप मतलब उसको अब्जॉर्ब करने दीजिए, लेकिन अगर आप चाहो तो उससे क्लीन भी कर सकते हो। उसको दिन में 2 या 3 बार आप लगा के रखिए, उससे आपका जो जबड़े का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आता है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल को आप नारियल के तेल के साथ मिक्स करके जहाँ पे दर्द हो रहा है जबड़े में वहाँ पे लगाइए, यानी कि 1/2 स्पून आप नारियल का तेल ले लीजिए और 1/4 स्पून आप ये लेवेंडर ऑयल ले लीजिए। इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप जिस एरिया में आपके दर्द हो रहा है वहाँ पर लगा के छोड़ दीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद वही प्रक्रिया है, आप अब्जॉर्ब होने दीजिए उसको अपने बोन में, और अगर आपको मतलब थोड़ा ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरे को उसको क्लीन कर लेना चाहिए, तो आप 10 से 15 मिनट बाद उसको क्लीन भी कर सकते हो। इससे भी आपके जबड़े के दर्द में राहत मिलेगी। इसके अलावा होता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन होता है, मुंह में कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल चीज़ होती है। और अगर आपके जबड़े में दर्द है तो भी ऑयल पुलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जबड़े के दर्द को ठीक करने के लिए। आप नारियल का तेल या फिर तिल्ली के तेल से मुँह में थोड़ा सा नारियल तेल या तिल्ली का तेल लीजिए और उससे कुल्ले कीजिए। अच्छे से कुल्ले करने के बाद आप अपने दांतों और मुँह को क्लीन कर सकते हो, यानी ब्रश कर सकते हो दांतों को और माउथ वॉश से क्लीन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप कम से कम अच्छे से गार्गल कीजिए, उससे भी आपके ये जो जबड़े का दर्द होता है वो चला जाता है। इसके अलावा होता है पुदीना। पुदीने का जो तेल होता है वो भी उसमें भी औषधीय गुण होता है, उसमें मेंथोल होता है जो जबड़े की जो मांसपेशियां होती है उसके दर्द में राहत देता है। आप पुदीने के तेल को थोड़े से ओलिव ऑयल में मिक्स कीजिए। उसको मिक्स करने के बाद आप अपने जिस एरिया में दर्द हो रहा है, जिस जबड़े में दर्द हो रहा है वहाँ पर लगा के उसको छोड़ दीजिए 10 से 15 मिनट, और उसको अब्जॉर्ब होने दीजिए। इससे भी आपके जबड़े के दर्द में राहत मिलेगी। इन सब के अलावा गरम सिकाई करना। आप तवे पे थोड़ा सा कपड़ा है उसको गरम कर लीजिए और उससे अपने जिस जबड़े में दर्द हो रहा है या जो एरिया है जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे सिकाई कीजिए। उसको सेक करने से भी जो जबड़े का दर्द होता है वो चला जाता है। ये जो गर्म कपड़ा है उससे जो ये सिकाई है कम से कम आप 20 मिनट तक कीजिए। इससे आपके जो जबड़े का दर्द है उसमें आपको राहत मिलेगी। इन सब के अलावा आप ठंडी सिकाई यानी कि आइस बर्फ़ है उसका उसको कपड़े में डाल के या फिर बर्फ़ के पीसेस करके जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा के छोड़ दीजिए। उसके सिकाई करने से भी, क्योंकि बर्फ़ क्या होती है नसों को सुन्न कर देती है, उससे भी आपके जो दर्द है उसमें राहत मिलती है।
आप ठंडी और गर्म सिकाई दोनों कर सकते हो मौसम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपके जबड़े में स्वेलिंग है या रिसेंटली आपने टीथ रिमूव करवाया है उसकी वजह से जबड़े में दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में आप सिकाई को अवॉइड करना या फिर आप अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करके फिर ये सिकाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको जबड़े से रिलेटेड, जबड़े के दर्द से, घरेलू उपाय से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।